हेल्थ चैनल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो हमारे अज्ञानता के कारण हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में। एक्चुअली इसका अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हम सभी ज़बरदस्त अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। आयुर्वेद ने इसे रसायन कहा है। रसायन क्या होता है? रसायन यानी केमिकल, जो कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है और आदमी को फिर से जवान बना देता है। जैसे कि रसायन में पारा, हम लोग पारे को रसायन कहते हैं, गंधक को रसायन कहते हैं, या फिर बहुत ही ज़बरदस्त दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं जैसे कि गिलोय है, या फिर भृंगराज है, आंवला है, ऐसे दिव्य वनस्पतियों को रसायन कहा जाता है। तो इसे भी रसायन खास शब्द इसके लिए यूज़ किया गया है। इसके अलावा ये त्रिदोष नाशक है, ये रक्त शोधक है। आप कहेंगे कि बताइए ये क्या है? तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं बात कर रहा हूँ सारीवा की, यानी कि अनंत मूल की। पहले इसके पहचान को लेकर के मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं डिटेल में इसके गुणधर्म आपको बताऊंगा और डिटेल में इसके कुछ ज़बरदस्त फायदे डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। एक, ये लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है दिव्य, अति दिव्य अनंत मूल। अनंत मूल को अनंत बेल, सारीवा, शारदा, गोपवल्ली, गोपी, सुगंधी पाला और कपूरी जैसे नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे इंडियन सरसा परिला या फिर फॉल्स सरसा परिला कहा जाता है और बॉटनिकली इसे हेमिडेस्मस इंडिकस कहा जाता है। अनंत मूल यानी कि सारीवा प्रमुख तौर पे दो तरह की होती है, नंबर एक सफ़ेद सारीवा और नंबर दो कृष्ण सारीवा। ये जो हम देख रहे हैं ये सफ़ेद सारीवा है। इसका पौधा जब नया होता है तब ये किसी आम क्षुप्त की तरह खड़ा आपको नज़र आ जाएगा, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। और जैसे जैसे ये पौधा, ये बेल बड़ी होती है तो ये ज़मीन पे फैलती है या फिर ये किसी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। तो ये तीन तरीके से हो सकता है। YouTube पे अगर आप कोई भी एपिसोड देखें सारीवा पे तो कह देते हैं कि इसके पत्ते जामुन जैसे नज़र आते हैं। जो कृष्ण सारीवा होती है उसके पत्ते जामुन जैसे नज़र आते हैं। इसके पत्ते आमने सामने दो के जोड़ी में लगते हैं और फिर काफ़ी जगह छूट जाती है, फिर से इसके पत्ते दो के जोड़ी में लगते हैं। इस तरह से इसके पत्ते लगते हैं और इसके पत्ते जब नए होते हैं तो वो पूरी तरह से ग्रीन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसके पत्ते पुराने होते हैं तो इस पर वाइट डिज़ाइन आ जाता है। ये इसकी खास पहचान है। अगर हम इसके तने को ध्यान से देखें तो वो भूरे रंग का होता है, यानी कि वो ब्राउन रंग का होता है, थोड़ा सा चमकीला नज़र आएगा और एक पतले वायर जैसा नज़र आएगा। जब ये बेल नई होती है तब इसका सिंगल तना होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बेल बढ़ती है तो इसके ही और ब्रांचेस इसके तने में लिपट जाते हैं और बहुत सारे इसके तने एक साथ आपको नजर आएंगे, बहुत सारे वायरें जैसे इकट्ठे हो इस तरह से बंच में इसका तना आपको नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से एक और ब्रांच इसके तने में ऐड हो गई है और किस तरह से ये डबल तना हो गया है। ये देखिए, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अनंत मूल की एक और खास पहचान है कि इसके किसी भी भाग को तोड़ने पर दूध निकलता है। और अगर हम इसके फलों की बात करें तो इसे जीवंती की तरह दो आमने सामने पतली और नोकीली जोड़ी में सींगे लगती हैं। आयुर्वेद में खास करके इसके जड़ों का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ें पतली, लंबी और बहुत सारी होती है, इसीलिए इसका नाम अनंत मूल रखा गया है। इसके जड़ों को चंदन जैसी या फिर कपूर जैसी सुगंध आती है, इसीलिए इसे सुगंधी पाला या फिर कपूरी भी कहा जाता है। अब इसके गुणधर्म और फायदे डिस्कस कर लेते हैं। अनंत मूल जो है, सारीवा जो है, वो स्वभाव में शीतल होती है। अब जो भी वनस्पतियाँ शीतल होती हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली आज के डे एंड एज में, क्योंकि आजकल हम लोग
माहौल कुछ ऐसा है कि उग्र माहौल है, इसलिए लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कंपटीशन है और गैजेट्स पे कंटिन्यूसली लोग लगे रहते हैं, तो काफ़ी बार जो पारा है सर का गुस्सा जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है लोगों का, तो ये शांत करता है, इसके सेवन से आदमी शांत होता है, मन शांत होता है और गुस्से में कंट्रोल आता है। और एक काफ़ी मायनों में अडुलसा से भी इसकी मैं कंपैरिजन करता हूँ काफ़ी बार, क्यों, क्योंकि अडुलसा भी ठंडा होता है, वासा जो है वो, और वो भी मानसिक विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। और इसके अलावा भी एक चीज़ है जो इसे अडुलसा से कंपेयर कराती है, आपको ये इंटरनेट पे इस तरह की कंपैरिजन कोई नहीं बताएगा, कि अडुलसा कफ में भी बहुत अच्छा होता है, तो ये कफ को भी कंट्रोल करता है, और जबकि ये दोनों वनस्पतियाँ शीतल है फिर भी ये कफ को कम करती है। तो ये इसी तरह से, जिस तरह से वासा बहुत ही दिव्य है, वैसे ही ये बहुत ही दिव्य वनस्पति है, और काफ़ी कुछ अडुलसा के जैसे ही इसके गुण है, काफ़ी सिमिलर गुण है। तो अगर किसी को कफ हो रखा है तो अडुलसा के साथ या फिर भारंगी के साथ, बनफसा के साथ, मुलेठी के साथ अगर इसका सेवन किया जाए तो बड़े तेज़ी से लाभ होता है। इसमें आप छुई मुई का भी सेवन कर सकते हैं या फिर आप अपराजिता के बीजों का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर साथ में ली जाए, जो भी अवेलेबल है उनका सेवन किया जाए, तो कफ में बहुत तेज़ी से लाभ होता है। तो बुखार में आप तुलसी या फिर नीम या गिलोय के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर अपना अडुलसा है, चिरायता है या कुटकी है इसके साथ, या कुछ ना मिले तो सदाबहार आप सेवन कीजिए। अगर गार्डन में, मैं पिछले एपिसोड में दिखाया था, मैंने जोन पुष्पी लगाई हुई है, जोन पुष्पी के साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है। आयुर्वेद में बुखार को लेकर के इतनी सारी वनस्पतियां हैं, आप किसी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो त्रिफला के साथ सेवन कीजिए, त्रिफला भी बुखार को कम करने में ज़बरदस्त काम करता है। तो किसी भी दूसरे वनस्पतियों के साथ जो भी आपके गार्डन में लगी है उनके साथ अगर आप सारीवा का भी सेवन करें, अनंतमूल का सेवन करें, तो ये बुखार को तुरंत कम कर देता है। तो अनंतमूल के इतने सारे फायदे हैं कि मैं बताते जाऊंगा, लेकिन ये एपिसोड शायद पता नहीं एक दो घंटे का हो जाएगा। तो ये प्रमुख कुछ थे इसके बेनिफिट्स जो मैंने इस एपिसोड में डिस्कस किए हैं, और भी डिटेल में मैं किसी फ्यूचर एपिसोड में इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा ये दीपन होता है, यानी ये भूख बढ़ाता है, और पाचन होता है, ये पचने में भी मदद करता है। तो इसके इन गुणों के कारण ये काफ़ी कुछ मुझे ये आप सोच सकते हो कि ये चित्रक जैसा है, या फिर ये भांग की तरह है, या भूमि आंवला की तरह है, क्योंकि चित्रक है, भांग है, भूमि आंवला है, ये भी भूख को बढ़ाते हैं, और ये स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके स्किन को लेकर के जो मेरे अनुभव है, ये इतना ज़बरदस्त है मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक ऐसी वनस्पति, इसकी खास जो क्वालिटी है ना वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। सारीवा खाते ही तुरंत, अगर आप एक घंटे के बाद देखें ना, तो फेस पे ग्लो आ जाता है, आदमी उसका फेयर हो जाता है। ये एकदम 100% मैं बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ मैंने भृंगराज में भी देखी है, या फिर ये थोड़ा सा एकदम बहुत ही थोड़ा अगर गंधक रसायन लेते हैं तो भी ये चीज़ होती है, या फिर तो कुछ नहीं तो थोड़ा सा मलाई भी अगर आप लगा लो, गाय की मलाई, शुद्ध मलाई, तो इससे भी ये इफ़ेक्ट आता है। तुरंत अगर आपको चाहिए कि आपकी स्किन ग्लो हो और आप गोरे हो जाए, तो सब ये सारे जो एग्जांपल मैंने दिए, इसके साथ सारीवा बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके अलावा ये स्किन के लिए इतना ज़बरदस्त है कि स्पेशली ये तन के दुर्गंध में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर कोई ऐसा है जिसको बार बार डीओ लगाना पड़ता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पैर में से बदबू आती है या तन में से बदबू आती है, ये अगर कुछ लोगों को बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम होता है,
ऐसे में बहुत सारी आयुर्वेद में वनस्पतियां हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं आंवला जो है वो तन की दुर्गंध में बहुत अच्छा काम करता है, या जामुन बहुत अच्छा काम करता है, बेल भी बहुत अच्छा काम करता है, या नाग केसर इसमें एक्सीलेंट है, और एक सादिवा भी ये वनस्पति है जो कि तन के दुर्गंध में बहुत अच्छा काम करती है। सादिवा का रेगुलरली सेवन करने से तन की दुर्गंध जो है वो शरीर शुद्ध होता है, ये रक्त शोधक है और ये तन की दुर्गंध को समाप्त कर देता है। ये एक्चुअली मैं इसके पीछे कंसेप्ट बताता हूँ, ये ऐसे हवा हवाई चीज़ नहीं मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो भी वनस्पतियाँ जो अच्छा स्मेल देती हैं वो खा और रक्त शोधक होती है खास करके, वो तन की दुर्गंध में ज़बरदस्त काम करती हैं। तो जो भी मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको, बेल का या फिर अपना जामुन है या फिर नाग केसर है, ये सभी के सभी, और ये सादिवा, सादिवा के मूल को भी अगर आप थोड़ा सा वो स्मेल करें तो इसमें से बड़ी सुंदर कपूर जैसी इसमें सुगंध आती है, और ये रक्त शोधक भी है, तो ये तन की दुर्गंध में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। सादिवा को लेकर के तो इतना तक कहा जाता है, और ये सत्य है एक्चुअली, कि जो भी महिलाएं सादिवा का रेगुलरली इस्तेमाल करती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, तो बच्चा जो होता है नवजात शिशु वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही गोरा होता है। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये एस्पेशली चौथे महीने तक आप इसका, गर्भवती महिलाएं इसका बड़े बेफिक्री से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और इनफैक्ट इससे बच्चे का प्रोटेक्शन होता है, और वो महिलाएं जिनका बच्चा गिर जाता है उनको जो इस तरह की समस्या है, इसमें ये जो भ्रूण है उसके प्रोटेक्शन के लिए खास करके ये बहुत ही अच्छी वनस्पति है। इसमें मैं आपको बताऊं गूलर भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है कि ये स्तंभन कराता है, तो ये बहुत ही सॉलिड प्रॉपर्टी है इसकी। जैसा कि मैं बताऊं जो भी तूरी चीज़ें होती हैं, तुरट कहते हैं मराठी में, वो कसेली जिसे कहते हैं ना, मैं मुझे हिंदी शब्द नहीं मिल रहा था, तो ऐसी चीज़ों में भी स्तंभन का प्रॉपर्टी होती है, और अगर वो शीतल भी हो तो क्या कहने हैं। तो स्तंभन जिन भी इनमें ये गुण होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोकते हैं फ्लूइड्स को। तो अगर पुरुषों में शीघ्र पतन की समस्या हो तो वो वीर्य को रोकेंगे, तो ये ज़बरदस्त पुरुषार्थ बढ़ाने वाली वनस्पति है पुरुषों में। इसके अलावा अगर दस्त लगे हो तो ये दस्त को भी रोकेगा, अगर खून बह रहा हो किसी का तो ये खून को भी रोकेगा, तो ये इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें स्तंभन की प्रॉपर्टी है, और ख़ास करके महिलाओं के लिए तो ये एकदम बहुत ही ज़बरदस्त अमृत है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के ये तकरीबन सारे इनके जो दुख है वो दूर करता है। तो अगर श्वेत प्रदर है जिसे लिकोरिया कहते हैं, सफ़ेद पानी अगर गिर रहा हो ये ठीक करता है, इन्फेक्शंस अगर हो रहे हो इसमें भी ये दिया जाता है, अगर महिलाओं को और भी कुछ समस्या है जिसके कारण बंधत्व का उनको प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं ठहर रहा है, इसमें भी दूसरे वनस्पतियों के साथ सादिवा का भी सेवन करवाया जाता है, और अगर जिनको ओवर ब्लीडिंग हो रहा हो, रक्त प्रदय जिसे कहते हैं, ओवर ब्लीडिंग को रोकने में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इसके जड़ों का उपयोग किया जाता है, और इसका डोसेज 2 से लेकर के 5 ग्राम होता है। इसे 2 ग्लास पानी में काढ़े के रूप में पकाया जाता है, और 1/4 यानी कि आधा ग्लास पानी बचने पर इसका सेवन किया जाता है दिन में 2 बार खाली पेट। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।